अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जब ये पैंडमिक चालू हुआ था जब भी पीपी इजिली अवेलेबल नहीं था और बहुत डिस्कशन होता था कि डायलिसिस टेक्नीशियंस को पीपी कौन सा देना चाहिए किस तरह का देना चाहिए फुल पी देना चाहिए पार्शल पी देना चाहिए अपने को फेस शील्ड जरूरी है कि नहीं कौन सा मास्क लेना है कौन से ग्लव्स लेना है बहुत सारे डिबेट हुए थे और अपना अपनी जो कंट्री है वो रिसोर्स पुअर है जैसा लाल बाग का राजा है पिरामल डायलिसिस है ये सब चैरिटेबल डायलिसिस है वो पीपीई का कॉस्ट अगर बेयर करने लगेगे तो सेंटर ही बंद हो जाएगा तो हमको मिडल पार्ट ढूंढना जरूरी है एकदम एक्सट्रीम करना जरूरी नहीं है मगर एकदम लापरवाही भी बरतना जरूरी आ, आ, सही नहीं है पर्सनल प्रोटेक्शन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसको पहनने का तरीका है जबी भी आप डायलिसिस एरिया में आते हैं जिधर पेशेंट है उसको पहन के आना है अंदर जाके पहनने का कोई मतलब नहीं है ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ये आपको पूरे वक्त पहने रखना है जब तक आप ड्यूटी पे हैं और पेशेंट एरिया में हैं अगर आप पेशेंट एरिया में नहीं है चाय पहने पीने गए उस वक्त आप मास्क और अपना फेस निकाल सकते हैं मगर पेशेंट एरिया में आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के रखना है एक टाइम आप अंदर आते हैं ना तो सब एडजस्टेड होना चाहिए आप अंदर आके आपका मास्क ऐसा ऐसा या आपका गाउन ऐसा ऐसा करना जरूरी है आप अंदर आए तो आप परफेक्टली ड्रेस्ड है जैसा लेडीज साड़ी पहनती है घर से निकलती है तो परफेक्टली पहन के निकलती है वहां जाके एडजस्टमेंट करना मतलब नहीं बनता है तो ये सब पहले से करना है और निकालने के वक्त ज्यादा ध्यान रखना है हमारे इसमें हम इसको बड़ी सिस्टम बोलते हैं जब मैं पर्सनल पर, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट निकालूंगा तो डॉक्टर मुकेश शेट्टे सर या उमेश खन्ना सर देखेंगे कि मैं कैसा निकाल रहा हूँ नहीं तो मैं ऐसा निकालूंगा मास्क में ऐसा करने लगूंगा तो जितना बैक्टीरिया वो सरफेस पे पे था पे था वायरस वायरस सरफेस मैंने कोरोना खुद सब खुद पे डाल दिया है तो पहनने से ज्यादा निकालने के वक्त ज्यादा आपने को ध्यान बरतना है क्योंकि निकालने के वक्त सबको घर पे जाने की जल्दी रहती है तो जैसा निकाला ऐसा हाथ धोए बिगड़ चले और वो सब वायरस आप अपने हाथों में लेके आपके घर वालों को भी दे और खुद भी इन्फेक्शन तो निकालना ज्यादा जरूरी है पहनने से अभी ये बेसिक हमने आपको एक पिक्चर दिया है ये ऑब्वियसली रिकॉर्ड हो रहा है आप बाद में भी दे सक देख सकते हैं और अगर आपको चाहिए तो ये पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सर्कुलेट किया जाएगा बॉटम लाइन है कि आपको एक फेस शील्ड चाहिए एक एन नाइन्टी मास्क चाहिए पे, ग्लव्स चाहिए और एक गाउन चाहिए दीज आर द बेसिक थिंग्स आपको एकदम जरूरी है ये आप सस्पेक्ट एरिया में या कोविड या नॉर्मल डायलिसिस एरिया में पहन सकते हैं ये सेफ है आपके लिए अगर आप जा रहे हैं कोविड आईसीयू में तो वहां पे फुल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगेगा उधर आपको दूसरे लाइक शू कवर लगेगा आपको एक पीपी इक्विपमेंट लगेगा जिसका नाइनटी जी, जीएसएम वो रहता है ब्रीदिंग का वो सब आपको आपका हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा मगर डे टू डे डायलिसिस के लिए दिस इज मोर देन इनफ यू हैव हैव टू टू प्रेफरेबली इट इज बेटर एन मास्क तो अभी पहनना कैसा है और निकालना कैसा है एकदम शॉर्ट में है पूरा तो बता नहीं सकते उसके सीडीसी के वीडियोस है इंडियन वीडियोस भी है अगर आपको चाहिए तो हम वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे पहले तो आपको आपका साइज देखना है ठीक है ना आपको अगर सेवन एंड हाफ के ग्लव्स लगने वाले हैं तो छह नंबर के ग्लव्स जाके चेंजिंग एरिया में मत जाइए या आपको गाउन आपका मेरे जैसी सिक्स फीट की हाइट है तो स्मॉल गाउन लेके अंदर नहीं जाइए तो फर्स्ट आप देख लीजिए कि आपको साइज क्या क्या चाहिए और सब इक्विपमेंट लेके अंदर जाइए ओ मैं मास्क भूल गया बाहर जा रहे ओ वो फेशियल बाहर रह गए मैं वापस जा रहा हूँ वैसा नहीं जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो लेके आपको अंदर जाना है फर्स्ट चीज आपको हैंड सैनिटाइज करना है ठीक है ना फिर गाउन पहनना है फिर आपको मास्क पहनना है एन नाइन फाइव मास्क कैसा पहनना है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखाऊंगा क्योंकि मास्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन द मास्क और मास्क का फिटिंग इंपॉर्टेंट है वो भी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा फिर उसके बाद आप फेस शील्ड या गॉगल्स पहन सकते हैं फिर ग्लव्स पहनना है ठीक है ना और ग्लव्स आपका जो गाउन का स्लीव है वो ग्लव्स वो यहाँ तक आना चाहिए तो आपका स्लीव नहीं तो इतना स्किन दिखता है गाउन इधर एंड होता है ग्लव्स इधर एंड होता है और यहाँ पे स्किन दिखता है और उसके बाद आपको पेशेंट के रूम में जाना है ठीक है अगर हो सकता है तो ऑलवेज वेयर डबल ग्लव्स बेस्ट इज टू वेयर डबल ग्लव्स तो क्या है कि आपको प्रोटेक्शन ज्यादा रहता है अभी निकालना कैसा है अगर आपने डबल ग्लव्स पहने तो पहला ग्लव आपको निकाल देना है ठीक है फर्स्ट ग्लव कम्स आउट फिर गाउन निकालना है फिर आप वो पेशेंट के रूम के बाहर जाएंगे ठीक है तो उसके बाद आपको हैंड हाइजीन करना है अगर आपने दो ग्लव पहने तो अभी सेकंड ग्लव निकलेगा फिर आपको हैंड हाइजीन करना है आप अगर देखते हैं तो आपने सब इक्विपमेंट निकाला उसके पहले आप उसके बाद हैंड हाइजीन कर रहे हैं। फिर आप आपके फेस को हाथ लगा रहे सबसे कॉमन मिस्टेक यही है ग्लव्स निकाला ये निकाला ये निकाला यू हैव टू डू हैंड हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट तो नंबर स्टेप फोर है जो है वो हाथ आपको साफ करने हैं फिर फेस शील्ड निकालना है गॉगल्स निकालना है मास्क निकालना है और फिर वापस हैंड हाइजीन करना है तो निकालने के वक्त दो बार आपको हैंड हाइजीन करना जरूरी है एक बार जब आप ग्लव्स और गाउन निकाल देते हैं और दूसरी बार जब आप सब निकाल देते मास्क निकालने के बाद फर्स्ट चीज चाहिए जैसा है मास्क पहनने का अगर आप देखते हैं पूरा कवर्ड है ये नाक के नीचे ऊपर ये, ये वो सब अलाउड नहीं है एक जो स्ट्रैप है वो यहाँ आएगा आपके गले के ऊपर और एक जो स्ट्रैप है आपके यहाँ हेड पे आएगा ये करना बहुत जरूरी है इसके बिगड़ अगर आपने ऐसा मास्क नहीं पहना है तो फिर वो मास्क का कोई वैल्यू नहीं रहता है ठीक है ना और निकालने के वक्त यहाँ देखो उन्होंने लिखा है कि पेशेंट एरिया के बाहर जाने के पहले आपको हैंड रब करना है और फिर मास्क निकालना और वापस हैंड रब करना है ठीक है ना मास्क निकाला डस्टबिन में फेंका और हैंड रब करना है वो आपको रेड बास्केट या येलो बास्केट मिलेगा वहां पे आपके, आपके हॉस्पिटल में और उसमें आपको फेंकना है वो आपके हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के मुताबिक आप कर सकते हैं अभी दिस इज द थिंग विद द मास्क हम चाय पीने बैठते हैं कॉफी पीने बैठते हैं दोस्तों के साथ बात करने बैठते हैं मास्क ऐसा सब ये कॉमन है आप कोई भी डायलिसिस डिपार्टमेंट में जाओ हम आ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ग्लोबल एफी वोकार्ड प्रिंस अली खान में एक टेक्नीशियन आपको ऐसा मिलेगा ही ये आपके लिए रिस्की है ठीक है ना अगर मास्क टाइटली फिट नहीं है अगर उसमें एयर जाने के चांसेस है तो वायरस भी वो एयर के थ्रू जा सकता है आप चाय पीने बैठते हैं और आप मास्क ऐसा टांग के रखते हैं वो सरफेस पे किधर भी टच होता है और फिर आप वापस मास्क पहनते हैं तो वो जो सरफेस पे वायरस थी वो मास्क में गई है है और अभी आप आपने उसको उसके ऊपर पहन लिया है। तो ये सब जो तरीके हैं मास्क जरा भी होना नहीं चाहिए अगर एक एक्स्ट्रा मास्क आप ले सकते हैं ठीक है ना एक सर्जिकल मास्क आप ले लो बट डोंट वेयर योर मास्क लाइक दिस थ्रो अवे द मास्क नो प्रॉब्लम यू कैन अफोर्ड इट ना जो खर्चा कोविड से आएगा और जान को खतरा है वो एक मास्क के खर्चे से बहुत ही ज्यादा है ठीक है अभी सर का जो पेशेंट हमने डिस्कस किया अभी ये पेशेंट कोविड नाइनटीन पॉजिटिव हो जाता है आपको पता चलता है तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए आप डायलिसिस सेंटर स्टार्टिंग में एक एक हफ्ता बंद रख लेते पॉजिटिव आ गया वैसा नहीं चलता है इतने बोर्ड पेशेंट को हम डायलिसिस डिनाई नहीं कर सकते तो इमीडिएटली अगर आपको पता चलता है उसी रात वो सेंटर को फ्यूमिगेट करना सबसे बेस्ट है और सरफेस क्लीनिंग करना चाहिए वन सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के साथ अभी वन परसेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन कैसा बनता है वो मैंने आपको अभी व्हाट्सएप किया है आपके ग्रुप पे उसमें बताया गया है कि कैसा बनाना है मेजोरिटी ऑफ आपको लोग को पता ही है कैसा बनाना है मगर फिर भी किसको नहीं पता है तो वो वो देख सकता है कोई भी सेंटर ट्वेंटी फोर आवर्स से ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए ठीक है ना जो भी स्टाफ और पेशेंट वो 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 सेंटर वो पेशेंट के साथ Contact में नहीं थे वो आप वो सेंटर पे डायलिसिस कंटिन्यू करना है अगर एक पेशेंट पॉजिटिव आया और सत्रह पेशेंट वो शिफ्ट में थे तो सत्रह पेशेंट का कोविड नाइन्टीन कराना जरूरी नहीं है या चार या पांच टेक्नीशियन थे उनका भी कोविड नाइन्टीन जरूरी नहीं है जो भी हेल्थ केयर वर्कर वो कॉन्टेक्ट में आया है डॉक्टर्स नर्सेस अगर उसने वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना है जैसा मैंने बताया तो उसको लीव या टेस्टिंग की जरूरत नहीं है अगर आपने बराबर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना है तो वो वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक है अगर उनको सिम्टम डेवलप होते हैं तकलीफ होती है तो ऑब्वियसली जैसा कोई भी कोविड पेशेंट है उनकी भी जांच करानी चाहिए ठीक okay. है अभी अगर आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं पहना है और अगर आप पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो फिर उसके लिए आपको फिर क्वारंटाइन uh, करना पड़ सकता है मगर ऐसा आज की तारीख में कोई भी सेंटर में होना नहीं चाहिए एवरीबडी शुड बी वेयरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्योंकि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स है जो टेक्नीशियंस है उसके बगैर कोई भी डायलिसिस सेंटर चल नहीं सकता है और अगर आपको एक्सपोजर हो गया तो इट इज वेरी इट इज नॉट सेफ फॉर यू एंड नॉट सेफ फॉर योर फैमिली विद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नॉर्मली किसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अगर आपको कोई सिम्टम डेवलप नहीं होता है आपने अभी ये मैं इसके उन के बारे में बता रहा हूँ जिसने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं पहना है अगर उनको कोई सिम्टम नहीं डेवलप होता है तो सात से सात दिन बाद वो वर्क ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ना अगर उनको कोई सिम्टम डेवलप होता है कुछ तकलीफें होती है तो फिर ऑब्वियसली उनको टेस्ट करके उनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा अगर कोई पेशेंट है जो कांटेक्ट में आया है वो पॉजिटिव केस से और उसको सिम्टम डेवलप होते हैं तो ऑब्वियसली उनको टेस्ट करना चाहिए अगर आपको डाउट है अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा एरिया है जिसमें आप जो कांटेक्ट में आए पेशेंट या जो टेक्नीशियन कांटेक्ट में आया है उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं तो वो सबसे बेहतर है मगर अगर नहीं है तो एटलीस्ट उनको लास्ट बेड पे ले सकते हैं अगर आपके पास थ्री बेडेड है तो जो एकदम विंडो के पास वाला बेड है उधर ले सकते हैं या उनको लास्ट शिफ्ट में ले सकते हैं मगर डायलिसिस किसको भी डिनाई नहीं होना चाहिए अगर वो कॉन्टेक्ट में आए नहीं आए डायलिसिस शुड नॉट बी डिनाइड तो टू ठीक है है अगर अभी ये पेशेंट जो हमारे उमेश खन्ना सर ने बताया कि अभी ये पॉजिटिव आ गया है तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया एक वेबसाइट है कोविड डायलिसिस डॉट इन करके सब डायलिसिस सेंटर के पास उसका लॉग और पासवर्ड है आपके जो नेफ्रोलॉजिस्ट है उनके पास वो लॉग और पासवर्ड रहेगा उनको खाली ये करना है कि नाम डालना है और आधार कार्ड नंबर डालना है और ट्रिपल एच का वो डालना है उसके बाद वो एक कोविड पॉजिटिव डायलिसिस सेंटर में ट्रांसफर हो हो जाएंगे अगर आपके पास नहीं है, है नहीं है 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 कुछ प्रॉब्लम गया कि तो आप एक लास्ट शिफ्ट में कोविड नाइनटीन पॉजिटिव पेशेंट ले सकते हैं ठीक है ना अगर ये दो दोनों नहीं हो सकते हैं और पेशेंट बहुत ब्रेथलेस है एसिडोटिक है पोटेशियम ज्यादा है तो अगर आपको करना ही है डायलिसिस तो लास्ट शिफ्ट में कॉर्नर बेड पे आप ले सकते हैं विदिस्टेंस ऑफ ट्वेल्व फीट और टू मीटर्स बिटवीन द बेड्स ये लास्ट ऑप्शन है आज की तारीख में नॉर्मली ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि हमारे पास इनफ कोविड पॉजिटिव डायलिसिस बेड्स है बोथ इन आईसीयू एंड इन वार्ड तो अगर आपको जैसा पता चलता है अगर आपने वो वेबसाइट पर डाल दिया है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएमसी की है कि उनको वो अलॉट करेंगे कोविड पॉजिटिव डायलिसिस में डायलाइजर रियूज और ट्यूबिंग रीयूज शुड बी अवॉइडेड क्योंकि अपने पास कोई डेटा नहीं है कि ये बाद में वो रीयूज एरिया से वो वायरस और किसको फैल सकती है या टेक्नीशियन को रिस्क हो सकता है तो बेटर कि आपको अवॉइड करें और जैसे मैंने बोला कि अगर आप कोविड नाइनटीन पॉजिटिव पेशेंट्स का डायलिसिस कर रहे हैं तो फिर फुल पीपीई पहनना जरूरी है उसका मतलब है आपको कैप uh, पहनना है गॉगल्स पहनना है फेस शील्ड पहनना है एंड मास्क पहनना है पीपीई पहनना है जो नाइनटी जीएसएम है उसका वो थिकनेस को जी बोलते हैं और फिर शू कवर पहनने हैं That is for only people who are doing COVID-19 positive dialysis. पॉजिटिव डायलिसिस patient को डा, कब ये, ये दूसरा question है आपको अगर पता है तो ये virus है ना हम हम actually infective। माने मैं अगर मैं आज COVID positive होता हूँ तो मैं आपको 10 दिन तक infect कर सकता हूँ ठीक है ना उसके बाद जो infectivity रहती है virus की वो disappear हो जाती है कोई कोई cases में जो आईसीयू में है जो रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट है लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट है कैंसर के पेशेंट है उसमें उन्होंने देखा है कि बीस दिन तक वो वायरस तो से तीन महीने छह हफ्ते से तीन महीने आप कोई भी पेशेंट को डायलिसिस नहीं करा सकते क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इतने रिसोर्सेज नहीं है सेकेंडली खर्चा कितना बढ़ जाएगा अगर आप रीयूज नहीं करने देने वाले हो डायलाइजर तो बहुत खर्चा बढ़ जाएगा तो अभी आपके यूनिट में ये पेशेंट है जो उमेश खन्ना सर ने बताया अभी वो जा चुके हैं बाहर लेने आप उसको वापस कब लोगे क्योंकि क्या है कि वो इंसिस करते नहीं कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए हमें उसके बगैर हम नहीं लेंगे तो वो पेशेंट बेचारा बौखला जाता है यहाँ वहां घूमते रहता है और तकलीफ में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस जो अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट है और सीडीसी का है उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया कि कब ये पेशेंट वापस आ सकता है ठीक है ना तो अभी ये प्रोटोकॉल है मैं आपको समझा देता हूं अगर फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट को ये पेशेंट पॉजिटिव आया कोविड के लिए तो आप उसका रिपोर्ट वापस आठ या नौ तारीख को करेंगे अगर वो नेगेटिव हो जाता है आठ या नौ तारीख को तो फिर आप आपको उसको आपके जो नेगेटिव डायलिसिस सेंटर है उसमें लेना पड़ेगा क्योंकि आपको अभी इससे कोई रिस्क नहीं है और बाजू के पेशेंट को भी रिस्क नहीं है क्योंकि नेगेटिव हो गया बात खत्म हो गई अगर ये पेशेंट आठ तारीख को या नौ तारीख को फिर भी पॉजिटिव आता है तो वो कोविड पॉजिटिव डायलिसिस सेंटर में ही कंटिन्यू करेगा मगर जो आफ्टर डेज डेज माने अगस्त के बाद वो वापस आपके डिपार्टमेंट में आएगा तो उसका मतलब है कि 14 उसको कोविड ज्यादा से ज्यादा फोर्टीन डेज वो कोविड पॉजिटिव डायलिसिस सेंटर में डायलिसिस लेगा अगर वो कोविड पॉजिटिव है इसमें खाली एक ही एक्सेप्शन है माने एक ही जन को ये लागू नहीं होता है अगर ये पेशेंट है ना वेंटिलेटर पे है रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट है वेंटिलेटर पे है बहुत सीरियस डिजीज है और आईसीयू में है तो ये केसेस में हमने 20 दिन का मोहल्लत दी है तो 20 दिन तक वो कोविड पॉजिटिव में डायलिसिस लेगा उसके बाद वो कोविड नेगेटिव में आ सकता है मगर 99.9 परसेंट जो भी हम डायलिसिस टेक्नीशियंस के लिए बात कर रहे हैं और हमारे लिए बात कर रहे हैं ये ओपीडी बेसिस डायलिसिस है तो ये उनको लागू नहीं होता है तो मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स विल कम बैक टू योर डायलिसिस सेंटर इन फिफ्टीन डेज रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी नहीं है इसके वजह से आप किसको भी डायलिसिस डिनाई नहीं कीजिए आपको कोई इसके लिए जिम्मेवार कि आपने कोविड नेगेटिव के बिगड़ आपने ये पेशेंट को लिया अगर उसका चौदह दिन निकल चुका ठीक है और ये यही मैंने आपको ये वापस समझाया है ये ही ये स्लाइड वापस बढ़ाती है खाली ध्यान रखना है कि डिस इन्फेक्शन और सैनिटेशन ये सब चालू ही रहना चाहिए कोविड पॉजिटिव कोविड नेगेटिव वी हैव टू है अभी ये लास्ट दो स्लाइड है ऑल डायलिसिस मशीन एंड थ्रैश एंड आफ्टर हर शिफ्ट के बाद आपको डायलिसिस की मशीन और ये सब जो जिधर हम कचरा फेंकते हैं उसको साफ करना है अगर बेड शीट्स है उसको हर शिफ्ट में अपने को चेंज करना है जो लिनिन है जो हम यूज करते हैं उसको वन परसेंट हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में ट्वेंटी मिनट्स तक भिगो के रखना है जो भी आइटम्स uh, है वहाँ पे आजू बाजू में बेड साइड टेबल्स है लॉकर है डोर है लाइट के स्विचेस है कार्डिया uh, टेबल है कंप्यूटर है उसको सबको हमको डिस करना है ठीक है ना और अपने को फ्लोरिंग को भी डिस करना है कैसा करते हैं हैं आप हाइपोक्लोराइड यूज कर सकते सिक्सटी परसेंट एल्कोहलोर हैंड रब आता है वो यूज कर सकते हैं या ग्लूटीआइड यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ये सब अगर हम ध्यान रखते हैं और हम अगर बराबर पीपीई पहनते हैं तो आपकी फैमिली भी प्रोटेक्टेड रहेगी हम सब ने स्टार्टिंग से कोविड में काम किया है और बाई द ग्रेस ऑफ गॉड आज तक किसको भी अभी तक फैमिली में कोविड नहीं हुआ है और हमें भी प्रोटेक्शन हुआ है ये बीमारी है और ये बीमारी रहने वाली है इससे डर के कुछ मतलब नहीं है हमें आगे बढ़ना है और धीरज से काम लेना है और ध्यान से काम लेना है थैंक यू